हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूँ लेटेक्स कोर्स के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि टेक्स स्टूडियो इंस्टॉल करने के लिए लेटेक्स एडिटर और लेटेक्स डिस्ट्रीब्यूशन फाइल आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो रिकमेंड किया था मैंने आपको कि टेक्स लाइव यूज़ करना है, टेक्स लाइव अलॉन्ग विथ टेक्स स्टूडियो। तो उसके लिए टेक्स लाइव इंस्टॉल करने के पहले मैंने आपको बताया था कि विन सीडी इम्यू नाम का एप्लीकेशन किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेक्स लाइव किस तरह से इंस्टॉल करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये टेक्स लाइव लेटेक्स एडिटर अगर आप इंस्टॉल करने में अगर सक्सेसफुल हो पाए तो आपको इसके आगे कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी लेटेक्स यूज़ करने के लिए। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है और आपको लेटेक्स किस तरह से इंस्टॉल करना है ये सीख लेना है। तो क्या करना है आपको कि टेक्स लाइव इंस्टॉल करने के पहले मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि टेक्स लाइव आईएसओ फाइल जो है, ठीक है, ये आपको डाउनलोड कर लेनी है। अप्रोक्सीमेटली ये जो फाइल है ये 4.5 गीगाबाइट्स की है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको डाउनलोड करने के लिए फास्ट इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो फास्ट इंटरनेट कनेक्शन जहाँ पे है वहाँ पे आप आपके लैपटॉप या कंप्यूटर को कनेक्ट करके इस आईएसओ फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है। और ये डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल किस तरह से करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं कि इसको टेक्स लाइव आईएसओ फाइल को आपको डाउनलोड किस तरह से करना है। तो उसके लिए क्या करना है, मैं गूगल क्रोम में आता हूँ और यहाँ पे google.com में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे तो क्या करना है, गूगल में आपको सर्च करना है टेक्स लाइव आईएसओ फाइल डाउनलोड। टेक्स लाइव आईएसओ फाइल डाउनलोड पर अगर मैं क्लिक कर लेता हूँ और सबसे पहले नंबर पर आपकी एक वेबसाइट आएगी जिस पे लिखा होगा एक्वायरिंग टेक्स लाइव एज एन आईएसओ इमेज, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सबसे आसान तरीका बताऊंगा मैं आप लोगों को। टेक्स लाइव डाउनलोड करके एट द सेम टाइम आप डाउनलोड और इंस्टॉल भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा समय लगता है और कंटिन्यूस इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है। जैसे मेरे लैपटॉप की रैम 6 GB की है, तो जब मैंने इस तरह के टेक्स लाइव को इंस्टॉल करने की कोशिश किया था तब मुझे अप्रोक्सीमेटली 9 या 10 आवर्स एक्सपेक्टेड टाइम बताया था। इसलिए मैं वो मेथड यूज़ न करते हुए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आईएसओ फाइल सबसे पहले डाउनलोड कर लेता हूँ जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये 4.5 GB का रहेगा। चलो देखते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड फ्रॉम अ नियर बाय सीटैग मिरर ये आएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि ये इस पेज के ऊपर हम आ जाएंगे। तो इस पेज के ऊपर देखिए अलग अलग आईएसओ फाइल्स अवेलेबल है, अलग अलग वर्शंस अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेटेस्ट वाला हम देख लेते हैं, 24 मार्च 2021 का है और यहाँ पे आप साइज देख सकते हैं उसका, दैट इज 4.44 GB है। तो इस texlive.iso के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे ये डाउनलोड शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली 4.1 GB यहाँ पे दिखा रहा हो और एक्सपेक्टेड टाइम दिखा रहा है 1 आवर, ठीक है। तो इसको आपको पूरा डाउनलोड होने देना है। मैं फिलहाल इसको स्टॉप कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इसकी एक डाउनलोडेड कॉपी अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि मेरे डाउनलोड फोल्डर में एक टेक्स लाइव नाम का एक फाइल आ चुका है। इसका साइज अगर मैं दिखा देता हूँ, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज अगर आप देखते हो तो देख सकते हैं यहाँ पे 4.14 GB, ठीक है, इतना है। तो आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही स्लो है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसके लिए डाउनलोड के लिए नहीं डालना है। जहाँ पे फास्ट वाईफाई या फास्ट इंटरनेट अवेलेबल है वहीं पर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर को आपको कनेक्ट करके इस फाइल को आपको डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। ये डाउनलोड होने के बाद क्या करना है आपको, जस्ट इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद इसको ओपन विथ करना है। ओपन विथ, अभी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि विन सीडी इम्यू ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है और उसको इंस्टॉल करना है। तो ओपन विथ अगर आप करोगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आया हुआ है विन सीडी इम्यू माउंटर, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि एक यहाँ पे फाइल ओपन हो चुका है, ठीक
ठीक है, यहाँ डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है ऑटो प्ले, और यहाँ पे ओपन फोल्डर टू व्यू दिस फाइल ये ऑप्शन आया हुआ है, तो इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो कि जो आईसो फाइल थी उसको अनजिप करके इतने सारे फाइल्स आए हुए हैं। ठीक है, अभी इसमें से अगर आप देखते हो तो ये जो फाइल है हमारे पास इंस्टॉल -tl-windows, ये बैच फाइल है .bat, इसका एक्सटेंशन रहेगा, ये बैच फाइल हमारे काम की है। तो क्या करना है, इस बैच फाइल के ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ विंडोज ओपन हो जाएगी, यानी इंस्टॉल TLGU नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेना है आपको, यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे अगर आप क्लिक करते हो तो आप देख चुके सकते हैं कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन चालू हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी हमने डाउनलोड किया हुआ है। अभी ये सारे पैकेजेस वन बाय वन क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम अगर आप देखते हो तो एक्सपेक्टेड टाइम 1.35 यानी 1 आवर 35 मिनट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो उतने समय के लिए आपको वेट करना पड़ेगा और आपका टेक्स्ट लाइव इंस्टॉल हो जाएगा, और कम्प्लीटली इसको इंस्टॉल होने देना है, कहीं पे भी बीच में इसको रोकना नहीं है, अदरवाइज आपको बार बार इसको इंस्टॉलेशन के लिए डालना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जब तक ये प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होती है आपका लैपटॉप कंप्यूटर बंद नहीं करना है। फिलहाल मेरे पास इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं इस प्रोसीजर को अबॉर्ट कर देता हूँ। तो आई होप आप लोगों को टेक्स्ट लाइव किस तरह से इंस्टॉल करना है ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया स्टेप्स तो फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से इस वीडियो को अच्छे तरह से देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको एक टेक्स्ट लाइव इंस्टॉल करनी है। और एक बार ये टेक्स्ट लाइव अगर इंस्टॉल हो जाता है आपके कंप्यूटर में तो सारा हेडेक इसके बाद, जो अगर आप मिकटेक्स यूज़ करते हो, ठीक है, तो मिकटेक्स में बार बार आपको नए नए पैकेजेस डाउनलोड और इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि टेक्स्ट लाइव से वो सारा झंझट पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये पूरा आईसो फाइल अपडेटेड है, अब तक जितने भी पैकेजेस बने हुए हैं लेटेक्स के लिए सारे के सारे पैकेजेस इसमें इंस्टॉल्ड या डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर देता है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज ही इस आईसो फाइल को डाउनलोड करके टेक्स्ट लाइव को इंस्टॉलेशन के लिए आप डाल सकते हैं, क्योंकि इट विल अप्रॉक्सीमेटली टेक 2 to 3 hours फॉर टेक्स्ट लाइव इंस्टॉलेशन। डाउनलोड करने के लिए 1 घंटा अप्रॉक्सीमेटली, और इसको इंस्टॉलेशन के लिए 1 or 1.5 hours लग सकता है, डिपेंडिंग कि आपका कंप्यूटर या लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से है। अगर आपका लैपटॉप कंप्यूटर अगर कम रैम साइज़ का है तो आपको ज़्यादा समय लगेगा, रैम साइज़ अगर ज़्यादा है तो हो सकता है कि समय कम लग सकता है। तो इसको इंस्टॉल कर लेना है सो दैट कि हम बहुत ही जल्दी हम लेटेक्स सीखना शुरू करेंगे। और ये इंस्टॉल करने के बाद जैसे जैसे मेरे वीडियोज़ में मैं आपको पढ़ाऊँगा तो वैसे आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।